नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी निकलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यूपी के एग्जाम हो गए फाइनली, नाउ अब आपके पास टास्क है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पास चार लोकल एक्ट है छत्तीसगढ़ के, तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि उनमें आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेजर एक्ट जो है वो तो आपको आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, कोर्ट फी एक्ट और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, इस पर हम थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर टू से। सेक्शन वन तो पढ़ना ही है, टू बी डेफिनेशन क्लोज की क्लोज आपको पता है, करना है आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हम सेक्शन नंबर थ्री की तरफ। सेक्शन थ्री पढ़ना है, थ्री के बाद सेवन पढ़ना है, एट नाइन, नाइन के बाद इलेवन, ट्वेल्व के बाद ट्वेंटी टू, सेक्शन नंबर 22। उसके बाद सारा स्किप कर दीजिए, 22 के बाद आप आ जाइए सीधा सेक्शन नंबर 44 पे। सेक्शन 44 यानी चैप्टर 5 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो पूरा स्किप भी करते हैं तो चैप्टर 5 को पूरा याद कर लीजिए, इसमें तो पक्के क्वेश्चन आते हैं, तो चैप्टर 5 आपको पूरा ही करना है, इसमें अपन को कुछ भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर 5 के बाद आता है चैप्टर 6, अब वापस कुछ स्किप करेंगे तो चैप्टर 5 बेटा पूरा करना है। चैप्टर 6 के अंदर सेक्शन 57 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3A, फिर आता है आपके पास तहसीलदार जो लिखा हुआ है बी के लास्ट पॉइंट में, सेक्शन 58A, देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर जो आपका 59 है ना, 59 का सबसेक्शन 2A, सेक्शन 59 का सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 5, सेक्शन 60, सेक्शन 62, 63, 64। उसके बाद चलते हैं 64 के बाद 66, सिर्फ टाइटल के डेफिनेशन लैंड सर्वे कहाँ दी गई है। उसके बाद सीधा 75, फिर 81 प्रिंसिपल ऑफ असिस्मेंट, 81, 82, 84, 85 सबसेक्शन 1 30 ईयर्स, सबसेक्शन 2 15 ईयर्स, 85 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 91, 92, 93 में कलेक्टर वर्ड लिख दो, 92, 93 में कलेक्टर, 98, 101 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101, 104, 104, 107 का सबसेक्शन 5, 107 का सबसेक्शन 5, 108, 109, 109 का सबसेक्शन 2 का 6 मंथ तहसीलदार, 109 का सबसेक्शन 2 6 मंथ तहसीलदार, 110 पूरा, 111 टाइटल, 112 टाइटल, 113 कौन करेक्ट करेगा करेक्टनेस, 114 ए, 115, 115, 119 वेरी इंपॉर्टेंट है, 119, 124 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 124, 125, 126, 125, 126, 132 ओनली टाइटल, 132 ओनली टाइटल, 144 सबसेक्शन 2, 144 सबसेक्शन 2, 2, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए सीधा 156, सीधा 156, फिर 158 का सबसेक्शन 4, सेक्शन 158 का सबसेक्शन 4, 161 का सबसेक्शन 2, 161 का सबसेक्शन 2, फिर आ गया जी आप सीधा ये ना, अपने पास एक बहुत बड़ा सेक्शन है आपके 165 है ना बेटा, 165, इस 165 का आपको करना है 165 सबसेक्शन 6B और 6C, 165 का सबसेक्शन 6B और 6C, 167, 168 का टाइटल, 169,
170B का सबसेक्शन 2A, 170B का सबसेक्शन 2A, 170C, 170D, 173, 173, 176, 177, मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट बता रही हूँ, 177 छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट बता रही हूँ मैं आपको, 178A, 181 का टाइटल, 182, 183, 183, उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, 203 सब डिविजनल ऑफिसर, 204 सब डिविजनल ऑफिसर, 205 का ए, 205 का ए और बी दोनों, 213, 214, 218, 222 पटेल, 234 सीधा 234 पे आ जाओ, 234, 235, 236, 241, 242 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 242 वेरी इंपॉर्टेंट, 247, 247, 248, 247, 248 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 250, 250 का पूरा नहीं पढ़ना है, 250 का सबसेक्शन 1, 1A और 1B, 250B का, 250B का सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, 250B का सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, 257 का टाइटल, 257 का टाइटल, 257A का टाइटल, 257A का टाइटल, 257A का टाइटल, बस। तो लैंड रेवेन्यू में आप इनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज करके ही बनाया है, जैसे मैंने पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, तो इतने से की रीडिंग कर लीजिए आप, तो आपको हेल्प हो जाएगी। फिर आपके पास आता है इसका कोर्ट वैल्यूएशन वाला, ये तो छोटा सा ही है, तो इसमें आपको कोई इशू है भी नहीं, ठीक है। रेन कंट्रोल वाला, ये तो सबसे छोटा एक्ट है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। एक्साइज एक्ट में देख लीजिए, है ना, क्योंकि एक्साइज एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, एक्साइज एक्ट में थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखो सेक्शन 1, 2 तो सबका ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो है ही हमारे लिए काम का, ठीक है। फिर सेक्शन 6, 7, 8, 18, 18A, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 28A, 29, 30, 32, 33, 36B, C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, D, 36B, C, D, F, 38A, 38A, 42, 43, 44, 45, 47, 47AB, 47C, 48, 49, 49A very very important, 50, 54, 55, 57, 24R, 57A, 59, 59A very very important, 61A, 61,
61B, फिर रूल्स कौन बनाएगा, और ऑल्सो 67। तो बाकी तो छोटा है, तो लैंड रेवेन्यू और एक्साइज एक्ट में आप इन इन सेक्शंस को अच्छे से देख लो, प्री में इनमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, ये मैंने जो अपना एनालाइज किया उसमें से बताया है, बाकी आपको अच्छा लगा पढ़ो पूरा, मना नहीं है, पर पहली प्रायरिटी आप इनको दे सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट छत्तीसगढ़ वालों, बस तैयारी करते रहिए, कट ऑफ अच्छी जाती है, बट मेहनत अच्छी करोगे तो आप उस कट ऑफ में आ जाओगे। आज के लिए धन्यवाद।